तो दोस्तों आज के टाइम में डेटा हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे में अगर हमारा डेटा डिलीट हो जाता है दोस्तों पीसी, लैपटॉप या फिर हार्ड ड्राइव से, तो हमें काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार दोस्तों हमारा डेटा रिकवर भी नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, जिससे आपका डेटा 100% सेफ एंड सिक्योर रिकवर हो जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों वंडरशेयर की तरफ से आता है, और इस सॉफ्टवेयर का जो नाम है दोस्तों रिकवरी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल ही 100% फ्री एंड सिक्योर सॉफ्टवेयर है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इसी रिकवरी सॉफ्टवेयर के मदद से आपके जो फाइल डिलीट हो गए हैं उनको आप कैसे रिकवर कर पाएंगे। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले वंडरशेयर रिकवरी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। दो तरीके हैं दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का। पहला जो तरीका है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक करिएगा और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, गूगल में आपको टाइप करना है यहाँ पे वंडरशेयर डेटा रिकवरी, इसको सर्च कर लेना है दोस्तों। सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, पहला ही लिंक जो है इसका ऑफिशियल पेज का लिंक है, इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। आप इसको ऑफिशियल पेज पे चले जाएंगे और ये वंडरशेयर का ऑफिशियल पेज है दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकवरी डेटा रिकवरी यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है। नीचे में दोस्तों दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज, डाउनलोड फॉर मैक। तो आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दोस्तों उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। हम यहाँ पे विंडोज सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास विंडोज 10 है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ, स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों, और ये फाइनली दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। इसको मैंने डेस्कटॉप पर रख लिया दोस्तों, डबल क्लिक करता हूँ दोस्तों, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जब इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी या फिर लैपटॉप में, तो जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसको ऑन रखिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में। यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों रिकवरी सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है हमारे लैपटॉप में। स्टार्ट नाउ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। तो इंटरफेस जो है दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखता है रिकवरी का। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों रिकवर करने के लिए, सेलेक्ट अ लोकेशन टू स्टार्ट रिकवरिंग फाइल। आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है दोस्तों, जहां से आपका फाइल डिलीट हुआ था उस लोकेशन को सेलेक्ट करके सर्च करना है। तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों हार्ड ड्राइव का है। अगर आपका जो फाइल था वो कंप्यूटर के किसी हार्ड ड्राइव में था, आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, या आपका मेमोरी कार्ड होता है, या जो भी जो एक्सटर्नल ड्राइव होता है उसको करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस पे। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक्सटर्नल डिवाइस, मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव लगा रखा है, 32 GB का पेन ड्राइव है। यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज और वीडियो रखा है, तो सबसे पहले मैं फोटोज और वीडियोज को डिलीट कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको रिकवर करके दिखाऊंगा। और ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको डिलीट कर दिया है, फोल्डर बिल्कुल ही एम्प्टी हो गया है, फोल्डर यहाँ पे खाली हो गया है। मैं वापस से सॉफ्टवेयर में जाता हूँ दोस्तों। तो मैंने पेन ड्राइव से डिलीट किया था दोस्तों, तो मैं यहाँ पे पेन ड्राइव वाला जो ऑप्शन है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट का एक बटन है उस पर क्लिक कर देता हूँ, और ये अब सर्च होना शुरू हो गया दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपका जो हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव जो भी आप रिकवर कर रहे हैं उसमें आपका कितना डेटा है, क्योंकि ये सबको स्कैन करता है दोस्तों। ये थोड़ा सा टाइम लगा दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो को यहाँ पे स्किप कर लिया है। और ये फाइनली दोस्तों स्कैन कंप्लीट हो गया है, 168 फाइल यहाँ पे फाउंड कर लिया है। तो मैं गॉट इट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी दोस्तों हमने जो फाइल रिकवर किया था वो HP पेन ड्राइव से किया था, मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये हमारा पेन ड्राइव था, जो फोल्डर मैंने डिलीट किया था वो डिलीट फोल्डर था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी इमेज मैंने डिलीट किया था वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। अब इसको मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यही वो इमेज था जो डिलीट किया था, फिर जो वीडियोज था जो डिलीट किया था। अब सिंपली यहाँ पे नीचे में एक बटन है रिकवर का, इस पर भी क्लिक करके आप रिकवर कर पाएंगे। अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। जो भी आपका डेटा इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, जो आपका डेटा डिलीट हो गया है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हमने जो किया दोस्तों लगभग आपको 6 MB का है, और यहाँ पे दोस्तों नीचे में आपको रिकवर का आपको बटन दिख रहा होगा, इसमें मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हुआ है दोस्तों, यू कैन स्टिल रिकवर 100 MB फाइल फॉर द फ्री वर्जन। तो ट्रायल वर्जन अगर आप लोग यूज करते हैं दोस्तों रिकवर ईट का, अप टू 100 MB जो है आपका डेटा रिकवर करके ये बिल्कुल ही फ्री में देता है। और अगर आपका 100 MB से ज्यादा है दोस्तों फाइल, तो आपको प्रो वर्जन यहाँ पे जो है परचेज करना पड़ेगा। हमें फ्री में रिकवरी करना है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो 100 MB से कम है। तो सिंपली नीचे में आप देख सकते हैं कि रिकवर का जो है ऑप्शन है, यहाँ पे रिकवर का एक बटन बना हुआ है, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको लोकेशन को चूज करना है जहाँ पे भी आपको सेव करना है।
मैं यहाँ पे F ड्राइव में सेव करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ऐड फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं रिकवर फाइल। तो ये फोल्डर बन चुका है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिकवर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली पूछ रहा है डेटा सेव करने के लिए, यस यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये देखिए यहाँ पे डेटा जो है आपका सेव हो चुका है। तो अब मैं वापस से पेन ड्राइव में आ गया हूँ दोस्तों, रिकवर फाइल में चलते हैं और यहाँ पे 532 में चलते हैं, डिलीट फोल्डर में चलते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे आप जो भी मैंने डिलीट किया था वो रिकवर हो चुका है। क्वालिटी वगैरह बिल्कुल ही लॉस नहीं हुई दोस्तों। इस तरीके से आप रिकवरी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को यूज करके आप अपने क्रूशियल डेटा को रिकवर कर पाएंगे। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो ज्यादा डिटेल्स के लिए दोस्तों वंडरशेयर का आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर पाएंगे इसके प्राइस के रिगार्डिंग, या आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है डेटा रिकवरी में तो यहाँ पे आप ऑनलाइन चैट करके भी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों इस वेबसाइट का, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।